नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई आर्थिक विषमता के मद्देनज़र रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं और उसी सीरीज़ में आज आरबीआई गवर्नर ने भी बैंकों के लिए, जिसका कि अल्टीमेट इफेक्ट कंज्यूमर एट लार्ज तक जाएगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं जो बोरोवर्स इन जनरल हैं, जिन्होंने अमाउंट किसी बैंक से बोरो कर रखा है, उसके संदर्भ में उन्हें क्या रिलीफ आरबीआई ने देने की बात करी है और उसका क्या प्रभाव अल्टीमेटली निकल करके आएगा, वो एनालिसिस करने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सर, संक्षिप्त में केवल की मेजर्स टेकन अप के आरबीआई ने की मेजर्स क्या क्या लिए हैं। आरबीआई कह रही है, वी आर गोइंग टू एक्सपांड लिक्विडिटी इन द सिस्टम। हाउ दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी एक्सपांशन विल टेक प्लेस, इसका एक महत्वपूर्ण मेजर है कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो की रेट 4% से घटाकर के 3% करी है, प्रस्तावित कर दी है, और इसकी वजह से सर मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंकों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के अंदर भी कुछ रिडक्शंस आरबीआई की ओर से प्रस्तावित कर दिए गए हैं, इनकी वजह से भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी। इन टोटलिटी आरबीआई के आज के कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई है कि लगभग 3,74,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में एक्स्ट्रा क्रिएट होगी, यानी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा क्रिएट होगी। साथ ही साथ आरबीआई री इन्फोर्सिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांसमिशन करने की बात कर रही है, सो दैट बैंक क्रेडिट फ्लोज इज गोइंग इन ईजियर टर्म। साथ ही साथ आरबीआई ने एजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज बाय कोविड-19 की बात करी है, और आरबीआई ये भी कह रही है कि वी विल इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ मार्केट इन व्यू ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। ये सर कुछ की मेजर्स हैं जिन पर आरबीआई ने आज घोषणाएं करी हैं। अब इनका स्पेसिफिकली बोरोवर से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट है, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ सर मैं आपके साथ रिलीफ फॉर द बोरोवर्स जो आरबीआई ने आज बात करी है, जो यहाँ पर पॉलिसी स्टेटमेंट आरबीआई की ओर से आया है, वो क्या रिलीफ देने की बात करी है। मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन फॉर 3 मंथ इज प्रपोज्ड। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि आरबीआई कह रही है कि बैंक अपने पर्टिकुलर टर्म लोन्स को जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको 3 महीने का मोरेटोरियम दे सकती है। अब यहाँ पर इशू ये आता है साहब कि टर्म लोन क्या है। तो टर्म लोन वो है सर जो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया हुआ है, ये एक टर्म लोन है। आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, आपने कोई कार लोन लिया है, इन सब का एक टर्म फिक्स्ड है, 36 महीना, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल। सो दैट इज अ काइंड ऑफ टर्म लोन। ये मोरेटोरियम का जो बेनिफिट है सर, वो टर्म लोन पर ही देने की बात इनिशियली की गई है। नाउ व्हाट इज अ मोरेटोरियम, मोरेटोरियम क्या होता है सर, ये भी समझने की बात है। इस पर मैं विस्तार से आगे भी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ सर, आपके जो लोन का टर्म है उसको बढ़ाना इज मोरेटोरियम। या और सरल शब्दों में बोलूं तो मोरेटोरियम वो पीरियड है सर जिसके लिए बैंक ब्याज तो लेता है परंतु आपसे ब्याज या किस्त की राशि मांगता नहीं। तो इट मीन्स कि सरकार यहां पर जो बात करने जा रही है कि ये मोरेटोरियम जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2020 एप्लीकेबल हो, से बात की जा रही है आरबीआई में। तो आरबीआई कह रही है सर, मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने के लिए हम बैंक को मोरेटोरियम देने की सुविधा दे रहे हैं। यानी बैंक चाहे तो इन 3 महीनों के पीरियड के लिए मोरेटोरियम की सुविधा अपने ग्राहकों को दे दे। इससे क्या होगा सर कि इन 3 महीने में बैंक रिलेवेंट किस्त की रिकवरी अपने ग्राहक से नहीं करेगी, और यदि वो रिकवरी नहीं करेगी तो इससे जो प्रेशर मार्केट में क्रिएट हो गया है, मान लीजिए आज एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और वो घर पर बैठा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिनारियो, और उसको कोई अर्निंग नहीं है या उसकी अर्निंग इतनी है कि वो अभी केवल दाल रोटी का गुजारा कर सकता है, अभी किस्त देने की फैसिलिटी उसके पास में या उतनी क्षमता नहीं है, तो बैंक उसको 3 महीने के मॉरेटोरियम की सुविधा दे देगा और इस 3 महीने में उसको कोई ईएमआई का भुगतान नहीं करना। तो सर ये जो मॉरेटोरियम है ये शुरू होगा 1 मार्च 2020। अब 1 मार्च 2020 के मॉरेटोरियम का मतलब समझिए सर कि 1 मार्च 2020 से जो पीरियड शुरू हो रहा है, यानी मैं मानता हूँ मार्च, अप्रैल और मई के लिए जो आपकी किस्तें ड्यू होंगी इन 3 महीने के लिए, उनके मॉरेटोरियम देने की बात यहाँ पर की गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर इस आरबीआई के क्लैरिफिकेशन में आई है कि क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बेनिफिशियरी विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। यानी मैं यदि किसी लोन का भुगतान समय से नहीं करता तो मेरी सिबिल में हिस्ट्री खराब हो जाती है, यानी सिबिल में मेरी जो रिपोर्ट निकलती है उसमें आता है कि अनूप भाटिया इज अ डिफॉल्टर।
लेकिन यदि मैं कोरोना की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक विषमता की परिस्थिति में मोरेटोरियम का लाभ लेता हूं, तो एज अ बोरोवर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री पर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये आरबीआई की एक महत्वपूर्ण घोषणा आई है। मैं इसके साथ साथ सर, मोरेटोरियम से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए जानना, उनका उत्तर क्यूरियोसिटी में भी शामिल होगा, तो मैं उनका उत्तर भी आपको आगे देने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा सर कि मैं मोरेटोरियम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डील करूंगा, तो मेरा पहला प्रश्न है वेदर मोरेटोरियम इज अ वेवर और अ डेफरमेंट। तो मेरे पहले के डिस्कशन से भी सर ये बात क्लियर है, मोरेटोरियम का मतलब वेवर कतई नहीं है। यदि हम ये सोचे कि इन 3 महीने की किस्त बैंक हमें माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है सर। इन 3 महीने हमारा ब्याज भी ड्यू होगा, हमारी किस्त भी ड्यू होगी, लेकिन हमें पे करने के लिए बैंक नहीं कहेगा, जोर नहीं डालेगा, ठीक है? तो यानी मोरेटोरियम में आपको पे नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी 3 किस्तें माफ कर दी गई हैं। वेदर मोरेटोरियम इज अ राइट, निश्चित रूप से सर मोरेटोरियम आपका राइट नहीं है, ये एक सुविधा प्रदान की जा रही है। परंतु मैं ये भी कह सकता हूँ सर, हालांकि आरबीआई के इस पॉलिसी इनिशिएटिव पर बैंकों को अभी कॉल लेनी है कि वो मोरेटोरियम का बेनिफिट किस प्रकार से अपने क्लाइंट्स को, अपने बोरोवर्स को शिफ्ट करेंगे, लेकिन मोरेटोरियम किसी भी सूरत में सर आपका अधिकार नहीं है, ये एक सुविधा है। हाँ, अब हो सकता है बैंक अक्रॉस द बोर्ड सारे टर्म लोन्स के ऊपर मोरेटोरियम दे दे, क्या हो सकता है बैंक्स जब इस पर्टिकुलर निर्णय को लागू करें तो वो ये कहें कि हम रिलेवेंट बोरोवर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो मोरेटोरियम लेना चाहे तो ले, नहीं तो ना ले। तो ये चूज आपको करना है एज अ बोरोवर, मेरी ओपिनियन में, कि आप मोरेटोरियम का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आज आरबीआई ने पॉलिसी डिक्लेरेशन किया है, उससे मुझे लगता है कि आरबीआई ने बैंकों को ऑप्शन दे दिया है कि वो मोरेटोरियम की सुविधा अपने ग्राहकों को दे दे। सो टू बी इन टेंडम विद द आरबीआई गाइडलाइंस, मोस्ट प्रोबेबली सारे बैंक, सारी एनबीएफसी मोरेटोरियम की सुविधा अपने ग्राहकों को देंगे। पर क्या ग्राहकों को यह सुविधा भी होगी क्या उस मोरेटोरियम में, कि कोई ये चाहे कि नहीं साहब मेरी पे करने की फैसिलिटी उपलब्ध है तो मैं पे करना चाहता हूँ। इस चीज पर अभी बैंकों की ओर से रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस, क्लियरेंस, क्लैरिटी आने की आवश्यकता है, जो आने वाले 2-1 दिनों में आपको मिल जाएगी। विच काइंड ऑफ लोन्स आर कवर्ड अंडर मोरेटोरियम, आरबीआई के पॉलिसी डिक्लेरेशन से बड़ा स्पष्ट है सर कि आरबीआई अभी टर्म लोन पर मोरेटोरियम की बात कर रही है। और टर्म लोन वो है सर, मुझसे किसी ने पूछा सर क्या बिजनेस लोन भी टर्म लोन में आते हैं? हाँ सर, बिजनेस लोन की भी समयावधि होती है, तो मेरी ओपिनियन में बिजनेस लोन्स के केस में भी मोरेटोरियम का बेनिफिट मिलना चाहिए। पर्सनल लोन्स के केस में, होम लोन्स के केस में, इसी प्रकार से आपने किसी मोर्गेज लोन को ले रखा है, कोई प्रकार से टॉपअप लोन ले रखा है, ये सारे लोन सर जो एक समयावधि के साथ आते हैं उन पर मोरेटोरियम का लाभ मिलना चाहिए। वेदर टर्म लोन ऑफ द लोन एक्सटेंड्स ड्यू टू मोरेटोरियम, बिल्कुल सर, के जो आपके लोन की टोटल समयावधि है, मान लीजिए मेरे किसी लोन की समयावधि थी 180 महीने, 180 मंथ्स, और अब मोरेटोरियम मिल गया 3 महीने का जो मैंने अवेल भी कर लिया, तो मेरा टोटल लोन टर्म अब बढ़कर के सर 183 मंथ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो मेरे लोन का टर्म है सर, उसमें एक्सटेंशन आएगा। हाउ बैंक्स विल प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ मोरेटोरियम, दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन सर। आरबीआई ने मोरेटोरियम का ऑप्शन अभी बैंकों को दिया है, बैंक इस मोरेटोरियम को रिस्पेक्टिवली कैसे लागू करते हैं वो हर बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा। तो आने वाले वीक में मैं कह सकता हूं, या अगले 2-1 दिनों में मैं ये कह सकता हूं कि बैंक अपने अपने मोरेटोरियम की बात को क्लैरिटी से लाएंगे अपने ग्राहकों के लिए कि हम सर आपको ये मोरेटोरियम की सुविधा देंगे। जैसा मैंने मीडिया में सुना कि आरबीआई ने जो ये स्टांस लिया है, इसके अनुरूप एसबीआई ने डिक्लेयर भी कर दिया कि हाँ साहब हम 3 महीने का मोरेटोरियम देने जा रहे हैं, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर मेरे हिसाब से बाकी के बैंक्स भी एक्शन लेने वाले हैं। एक और बात, वेदर मोरेटोरियम इज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ, बिल्कुल सर, मोरेटोरियम प्रिंसिपल पर भी मिलेगा, इंटरेस्ट पर भी मिलेगा, क्योंकि आपको इस समयावधि में प्रिंसिपल और ब्याज का भुगतान नहीं करना। तो सर मोरेटोरियम कंप्लीट किस्त की अमाउंट के ऊपर है, यदि आप केवल ब्याज दे रहे हैं तो उसका मोरेटोरियम मिल जाएगा, यदि आप किस्त दे रहे हैं तो मूल और ब्याज दोनों का मोरेटोरियम मिल जाएगा। एक और बात, जब हम बैंक को टाइमली इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं करते तो बैंक हमसे डिलेड पेमेंट चार्जेस, डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट भी लेता है। यदि आपको मोरेटोरियम की सुविधा मिली और आपने वो अवेल करी,
तो सर ऐसी परिस्थिति में इस डिले पेमेंट के लिए, क्योंकि 3 महीने का डिले होने वाला है, 3 महीने का आपका डेफरमेंट होगा, इस 3 महीने के लिए कोई इंटरेस्ट या चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेगा। एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड? इस मॉरेटोरियम पीरियड में सर आपसे ब्याज क्या लिया जा सकता है? तो ये सर बात बैंक को तय करनी है। नेचुरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके रिस्पेक्टिव लोन में चल रही है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक यहाँ पर लेगा, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी ओपिनियन में नहीं ली जा सकती। तो सर ये कुछ मॉरेटोरियम से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे जो मैंने आपके सामने रखे। एक और बात जो सर यहाँ पर डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज की बात है, वो भी आरबीआई ने घोषणा करी है कि बैंक ये भी सुविधा देंगे। व्हाट आर वेरियस वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज? तो आई मे सिंपली से सर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आर बेसिकली वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज। बेनिफिट टू बी गिवन, क्या बेनिफिट देने की बात की जा रही है सर? अगेन डेफरमेंट ऑफ 3 मंथ्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये बात की जा रही है सर। एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट विल बी पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेफरमेंट पीरियड। तो आपको सर जो डेफरमेंट पीरियड आरबीआई देने जा रही है वो डेफरमेंट पीरियड का ब्याज जैसे ही ये 3 महीने समाप्त होंगे, से फॉर एग्जाम्पल मार्च अप्रैल मई, तो जून में यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर 3 मंथ्स पीरियड। क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोरोवर नॉट टू गेट इम्पैक्टेड। जैसे मैंने टर्म लोन पर बात करी, यहाँ भी यही कहूँगा सर कि आपका 3 महीने का एक्सटेंशन होने से और आपने क्योंकि पेमेंट नहीं किया तो आपकी सिविल रिपोर्ट खराब नहीं होगी। रिकैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर बाय रिड्यूस्ड मार्जिन, दिस इज इम्पॉर्टेंट सर, कि आपकी जो ड्रॉइंग पावर है वो रिकैलकुलेट करने की पावर भी बैंकों को दे दी गई है आरबीआई द्वारा, कि बैंक तय करे कि इन कठिन परिस्थितियों में आपका रिकैलकुलेशन कैसे होगा। अब जैसा सर आरबीआई ने घोषणा करी है कि ये मॉरेटोरियम जो लागू होने वाला है, ये मॉरेटोरियम किस किस पर लागू होगा, ये भी आरबीआई के पॉलिसी स्टेटमेंट में बात आई है। मॉरेटोरियम विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल कॉमर्शियल बैंक विच इंक्लूड्स रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस मॉरेटोरियम एक्सटेंशन फैसिलिटी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मे बी HDFC लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो कवर्ड इन टू द मॉरेटोरियम फैसिलिटी। अंत में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का हम सबको अक्षरशः पालन करना होगा, तभी COVID-19 यानी कोरोना वायरस से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विजयी हो पाएंगे। तो मेरा सर आप सभी से निवेदन है कि आप जितना घर में रह सकें, जितना बाहर जाने से बच सकें, अपनी भरपूर कोशिश करें ताकि हम मिल करके इस वायरस से लड़ें और जीतें। जय हिंद।